लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक युवक की मौत, और आपको बता दें कि गोली लगने की आशंका है। थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र सोफीपुर दरगाह के पास यह व्यक्ति उसके बड़े भाई को पड़ा हुआ मिला था। फिलहाल सरकारी ट्रामा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने किया मृत घोषित। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र हिमायूपुर निवासी 19 वर्षीय रक्षपाल सिंह पुत्र निहाल सिंह हाल निवासी थाना लाइन पार क्षेत्र छारबाग पैदल बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र सोफीपुर की दरगाह के पास गया था। इसी दौरान वहां संदिग्ध अवस्था में बेहोशी की हालत में इसे लेने गए इसके बड़े भाई राजेश ने वहां पड़ा देखा और बताया कि उसके एक हाथ में खून बह रहा था, संभवतः गोली लगी है। आनंद फानंद में सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया और यहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आरपी सिंह ने बताया कि उस वक्त यह व्यक्ति मृत है, इसे मृत अवस्था में लाया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश नाम है। राजेश, कहाँ रहते हो? चारबाग पे। अच्छा, यहाँ ट्रामा सेंटर आए हो, किसको लेकर आए हो, क्या बात है? ये छोटा भाई है, उसको गोली लग गई है, या वहाँ पे बेहोश डला था। हम सोफी पर जा रहे थे, मैं और मेरा एक भाई, तो दोनों तो वो वहाँ पे बेहोश मिला था। बेहोश मिला था, किस जगह पे मिला था बेहोश? सोफी साहब पे। अब क्या स्थिति है, यहाँ पे इलाज के लिए लाए हो? इलाज नहीं हो पाया। चले, घायल अवस्था में एक मरीज आया, क्या मामला क्या हुआ? नहीं, घायल अवस्था में नहीं आया, पहले ट्रॉमा सेंटर से यहाँ रेफर किया गया है और वो मृत अवस्था में यहाँ आया हुआ है। क्या हुआ, क्या था? लग रहा है सस्पेक्टेड गनशॉट इंजरी।